हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया होगे। और तो फिर एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो यार, इस वीडियो में आप देख रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड ODI जो कल खेला जाएगा बे ओवल माउंट मानगुनाई में। तो इसका हम ड्रीम इलेवन की टीम देखेंगे, इसकी प्लेइंग इलेवन देखेंगे, क्या पॉसिबल प्लेइंग इलेवन रह सकती है, पिच रिपोर्ट देखेंगे और वेदर रिपोर्ट देखेंगे और वेन्यू के रिकॉर्ड देखेंगे। तो आपने यार पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करना अगर आपने बढ़िया टीम बनानी है कल के मैच के लिए। तो गाइस, शुरू करने से पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो गाइस, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। गाइस, फाइनल टीम जो भी होगी यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे और बाकी के मैचेस की और ऑल सभी स्पोर्ट्स की यहाँ पे टीम आपको मिल जाती है। आपको यहाँ पे 17 से 18 के आसपास मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपने यार जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यार, एक रिक्वेस्ट है सबसे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो ये मैच कल खेला जाएगा 7:30 सुबह हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7:30 सुबह खेला जाएगा बे ओवल माउंट मानगुनाई में। तो वेदर रिपोर्ट की बात करें तो यार, जो वेदर की रिपोर्ट है तो यार यहाँ पे वेदर क्लियर है, सनी वेदर रहेगा। लेकिन यार जो न्यूजीलैंड है थोड़ा ओवरकास्ट रहता ही है न्यूजीलैंड में, लेकिन आपको क्लियर क्लियर वेदर देखने को मिल जाएगा और पूरा मैच आपने को देखने को मिल जाएगा। तो वेदर की कोई यहाँ पे इशू नहीं है। तो उसके बाद पिच कंडीशन की बात कर लें, यहाँ पे यार जो पिच है, तो जो यहाँ पे जो लास्ट हमारा T20 मैच हुआ था तो उसमें जो पिच रिपोर्ट पिच थी तो थोड़ा स्लोअर देखने को मिली थी, मेरा मतलब स्लो पिच देखने को मिली थी। लेकिन यार जो यहाँ पे है तो यहाँ पे हमेशा ही बैटिंग पैराडाइज रहा है, तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहती है। आपको कल यार हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, दोनों टीम बढ़िया। तो एवरेज फर्स्ट इनिंग की यहाँ पे बात कर लूँ पिछले 5 ODI मैची से, तो उसमें यार 296 एवरेज स्कोर यहाँ पे रहा है। तो आप देख सकते हो थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच आपने को देखने को मिल सकता है। तो और इंजरी की बात कर ले तो कौन अवेलेबल है, तो केन विलियमसन आपको कल खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे इंटरव्यू में क्लियर कर दिया गया कि हाँ, केन विलियमसन खेलने वाले हैं। तो मिचेल सैंडनर और टीम साउदी थोड़ा डाउटफुल हैं कल के मैच के लिए। तो उसके बाद स्कॉट कुकले जी ने यार को वायरल है तो वो नहीं खेलेंगे कल का मैच। इसोडी और टिगनर को यहाँ पे स्क्वाड में ऐड कर लिया गया। तो उसके बाद चलिए अभी परफॉर्मेंस ऑन दिस वेन्यू की बात करें तो यार क्या परफॉर्मेंस रही है बंदों की, कौन से प्लेयर बढ़िया कर रहे हैं इस वेन्यू पे। तो बैटिंग सेक्शन से बात कर लेते हैं तो पहले मार्टिन गप्टिल की 43 के एवरेज 8 मैचेस में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। उसके बाद रॉस टेलर हैं, 55 के एवरेज है यहाँ पे 6 मैचेस में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इनका भी। टॉम लैथम यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, 25 का एवरेज 6 मैचेस में। जिमी निशम का बढ़िया एवरेज है, 45 का 4 मैचेस में। उसके बाद हेनरी निकल्स ने बहुत ही बुरी तरह यहाँ पे स्ट्रगल किए, 14 का एवरेज है 9 मैचेस में। तो उसके बाद विराट कोहली यहाँ पे क्या, सॉरी यार गाइस, ये 6 मैचेस है यहाँ पे, 9 मैचेस नहीं है, आप देख लेना हेनरी निकल्स का। तो उसके बाद विराट कोहली का बढ़िया एवरेज है यहाँ पे 51 का 2 मैचेस में। तो बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो जिमी निशम है यहाँ पे आपके लिए कल बढ़िया पिक रहने वाले हैं, दोनों बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ जाएंगे आपको। 6 विकेट हैं 4 मैचेस में। कुलदीप यादव आपके लिए बढ़िया पिक रहने वाली है अगर खेलेंगे कल का मैच, 4 विकेट हैं 2 मैचेस में। उसके बाद मोहम्मद शमी है, 2 मैचेस में 4 विकेट लेके बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस। टीम साउदी 3 विकेट में 3 मैचेस में 3 विकेट हैं, ठीक ठाक परफॉर्मेंस। मिचेल सैंडनर के 2 विकेट हैं 3 मैचेस में। तो उसके बाद यार पॉसिबल 11 की बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से क्या रहेगी। मार्टिन गप्टिल हैं और हेनरी निकल्स आपको ओपन करते नजर आ जाएंगे। उसके बाद केन विलियमसन, रॉस टेलर हैं, टॉम लैथम है, जेम्स निशम है, यहाँ पे कॉलिन डी ग्रैंड होम है, मिचेल सैंडनर इस चोटी में एक खेल तो नजर आ जाएगा, टीम साउदी और टिकनर में आपको एक खेल तो नजर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मिश बेनेट और काइल जेम्सन। तो उसके बाद यार इंडिया की तरफ से बात करें तो यार आपको मैं बता दूं कोई भी चेंजेस हो सकता है, बड़े बड़े चेंजेस आपको दिखने को मिल सकते हैं इस मैच में। विराट कोहली ने क्लियरली कहा था कि हम इस मैच में यार एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखना। तो पृथ्वी शाह है यहाँ पे, मयंक अग्रवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, मनीष पांडे, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर है, नवदीप सैनी है, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की में से एक आपको खेल दो नज़र आ जाएगा। उसके बाद यार मैं आपको यार टॉप ग्रैंड लीग कैप्टन्स बता दूं तो पृथ्वी शाह, केन विलियमसन, मयंक अग्रवाल, मार्टिन गप्टिल, अपने ने यार ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना, आपके लिए बढ़िया पिक रह सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी शाह, मयंक अग्रवाल यार बढ़िया यंग टैलेंटेड बैट्समैन है, कम लोगों ने सेलेक्टेड किया हुआ, आप लोगों को पता है कैसे बढ़िया बैट्समैन है, लेकिन फिलहाल 2 मैचेस में कुछ खास नहीं कर पाए, तो आपने ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर। उसके बाद यार कॉमन
कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो विराट कोहली, केन विलियमसन, रॉस टेलर और मार्टिन गपटिल आपको ऑलमोस्ट सभी टीम्स में, स्मॉल लीग की टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन दिखने वाले हैं। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए अभी चलिए सीधा ड्रीम इलेवन की टीम पर नज़र डाल लेते हैं। बस मैंने यहाँ पे दो टीम बनाई है, आपको दोनों टीम दिखा देता हूँ। पहली टीम है जो स्मॉल लीग आप 2-3-4 मेंबर्स में ट्राई कर सकते हो, उसके बाद जो मिनी जीएल और ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो। तो पहली टीम पर नज़र डाल लेते हैं हमारी क्या टीम रहने वाली है। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन की बात कर ले तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास लोकेश राहुल, टॉम लैथम है, दोनों ही बढ़िया ऑप्शन है आपके पास, और एक टॉम ब्लंडल का ऑप्शन है। यहाँ पे ठीक ठाक दो तीनों बैट्समैन बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। यहाँ पे यार लोकेश राहुल को 87 लोगों ने सेलेक्ट किया लेकिन बैटिंग नीचे कर रहे हैं, तो मतलब लेकिन यार बैटिंग आ जाती है और डीएम है चीज़ है। तो लोकेश राहुल का लाजवाब फॉर्म है, टॉम लैथम यार बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। तो उसके बाद बैटिंग सेक्शन में आते हैं तो विराट कोहली का ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, रॉस टेलर हैं, केन विलियमसन है, उसके बाद मयंक मार्टिन गपटिल हैं, यहाँ पे मयंक अग्रवाल खेलते हुए नजर आ जाएंगे आपको, श्रेयस अय्यर, हेनरी निकल्स हैं, मनीष पांडे शायद से आपको कल खेलते हुए नजर आ जाएंगे, पृथ्वी शॉ हैं यहाँ पे। तो यार मेरी टीम है यहाँ पे विराट कोहली, रॉस टेलर, केन विलियमसन और उसके बाद मयंक अग्रवाल प्लस श्रेयस अय्यर। यार मैंने ये पांच बैट्समैन के साथ गया हूँ, आप चाहते हो तो मार्टिन गपटिल के साथ जा सकते हो यहाँ पे केन विलियमसन को ड्रॉप करके। यार 14% लोगों ने सेलेक्ट किया हो तो आप अभी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप ऐसी वेबसाइट पे खेल रहे हो यहाँ पे टॉस के एक घंटा पहले ही डेडलाइन हो जाती है, तो आप केन विलियमसन को ले लेना टीम में ज़रूर से, आपको कल खेलते हुए नज़र आ जाएंगे मैच में। तो उसके बाद मयंक अग्रवाल और श्रेयस अय्यर मेरी टीम में आपको दिख जाएंगे। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो रविंदर जडेजा प्लस क्वालिटी ग्रैंड होम के साथ मैं गया हूँ। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे जिमी निशम, मिचेल सैंडनर का ऑप्शन है, केदार जाधव का ऑप्शन है, शिवम दुबे शायद से आपको कल खेलते हुए नज़र आ जाए। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे इंडिया कुछ भी चेंजेस कर सकती है। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पे मेरे पास युजवेंद्र चहल है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास नवदीप सैनी है, तो मैं एक यहाँ पे बॉलर चेंज करता हूँ, जेमिसन के साथ जाऊँगा। यहाँ पे आपके पास एक क्रेडिट बढ़ जाता तो आप किसी अगर कुछ यहाँ पे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए सेम जा रहा हूँ। यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में मेरे पास नवदीप सैनी, जेमिसन है यहाँ पे, उसके बाद है युजवेंद्र चहल, ठीक है। तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर ले तो कैप्टन मेरे विराट कोहली रहने वाले हैं, वाइस कैप्टन रहने वाले मेरे केन विलियमसन। तो आपको मेरी टीम कुछ इस तरह से दिख जाएगी, आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन श्रेयस अय्यर, रॉस टेलर आपके आपके पास और के मार्टिन गपटिल बढ़िया आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन, आप किसी के साथ भी जा सकते हो, जिसके साथ जाना चाहो आपकी मर्जी है। तो उसके बाद यहाँ पे टीम टू दिखा देता हूँ आपको, टीम टू क्या रहने वाली है। यहाँ पे टॉम लैथम है मेरी टीम में, टॉम लैथम है, यहाँ पे विराट कोहली हैं, मयंक अग्रवाल हैं, पृथ्वी शॉ हैं, रॉस टेलर हैं, केन विलियमसन, रविंद्र जडेजा, कॉलिन डी ग्रैंड होम है, यहाँ पे नवदीप सैनी है, कुलदीप यादव है, उसके बाद युजवेंद्र चहल। तो मेरी टीम में आपको ये देखने वाले मिल सकते हैं, मैंने पूरा इंडिया की डोमिनेटिंग टीम बनाई है कि इंडिया कल मैच जीत जाए, हम होप करते हैं यार दो, लेकिन सीरीज तो हार ही चुके हैं, लेकिन कल आपको इंडिया बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ सकते हैं, या तो मतलब चेंजेस भी हो सकते हैं बड़े, आपने तो इस बात को ध्यान में रखना है यार। ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर लेना मयंक अग्रवाल, विराट कोहली, यहाँ पे पृथ्वी शॉ स्पेशली कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना, इन्हें केन विलियमसन को कर लेना, बढ़िया ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं। अगर कुलदीप यादव यार नहीं खेलते तो आप क्या चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे कुलदीप यादव की जगह मोहम्मद शमी, यहाँ पे शरतुल ठाकुर के साथ जा सकते हो, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन है किसी के, अगर कुलदीप यादव आपको खेलते नजर आ सकते हैं तो आप उन्हें टीम में ज़रूर ले लेना, बढ़िया पिक रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग में। तो यार गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार एक लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे आपको फाइनल टीम जो भी होगी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, सभी मैचेस की टीम वहाँ पे आपको फाइनल टीम दे दूंगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड लक एंड गुड बाय।